सभी लीडरों को और सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। आज की ओपीपी सेक्शन बहुत उमदा, बहुत शानदार था, बहुत जोशीला भरा था। और फर्स्ट टाइम में सभी के साथ ऐसा होता है, मैं तो होस्टिंग भी नहीं कर पाती थी और आज मैं शेयरिंग करती हूँ। और एक आज तो शायद मैंने टाइपिंग भी करी थी काफी साल के बाद, और मैं बिल्कुल नहीं झिझकी, क्योंकि हम कभी कोई काम सालों के बाद करते हैं तो उसमें कुछ कमी बेशी रह जाती है। पर मुझे इस साइंस कंपनी से बहुत कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा, क्योंकि हमारे साथ जो सीनियर हैं हमारे, और हमेशा हम उनकी तारीफ करते हैं। सीनियरों की तारीफ करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो एक खुद तारीफ है उनकी, हम तारीफ क्या करें। जो हमारे नीचे हैं अपलायन, और उनके लिए बोलना और उनकी तारीफ करना सबसे अहम चीज होती है, क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत होती है। और मैंने पहली बार एलडीपी दी थी और सभी ने मेरा बहुत ज्यादा साहस बढ़ाया था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और मैं मुजाहिद सर के लिए क्या बोलूं, वो तो एक जीता जागता मिसाल है और हम सबकी लिए एक उदाहरण है इस चीज का, कि वो हमें कहाँ से कहाँ ले आई। तो सर ने जो आज जोशीला भरा अपना सेशन दिया था, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार था, और उन्हीं का रीजन है कामयाबी के पीछे और हम सभी के पीछे, और खास तौर से मेरे, क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, मेरे अपलायन हैं और मुझे लाने वाले वो यही हैं। और जैसे कि अभी पूनम मैडम कहती हैं हमेशा आसिफ सर, पर उनके पीछे जो रीजन है वो असद सर हैं हमेशा, क्योंकि उनके अपलायन असद सर थे, असद सर हैं और असद सर ही रहेंगे। छुपा दो गुलाब को कहीं भी आप, उसकी खुशबू कहीं नहीं जा सकती, ना लाओ उसको किसी के सामने, फिर भी वो महकता रहता है। क्योंकि हमेशा वो किसी का नाम ले ना ले, इस रीजन को मैं जानती हूँ, क्योंकि वो हमेशा 9 साल से असद सर के साथ थी और है और शायद आगे भी रहेंगी। और असद सर उनके हमेशा सपोर्ट रहे, आज वो जो बुलंदियों पे हैं, मैं हूँ वो है 7 स्टार के लेवल पे। सिर्फ असद सर का ये है कि लेडीज इतनी पावरफुल नहीं होती, उसे पावरफुल बनने के लिए एक शेर की जरूरत होती है। जब ये अभी सर ने कहा शेरनिया, शेरनिया तो मैं थी पर मैं छुपी शेरनी थी, कभी मैं सामने नहीं आई, मैं नहीं बोल पाती थी। और पूनम सारावस्वी भी बहुत छुपी भी थी, और उनको लाने वाले बस एक ही शेर थे, जो मेरे वालिद कहते हैं असद से, शेर उनका मीनिंग ही शेर है। मीनिंगों में कुछ नहीं रखा, मीनिंग किसी के कोई काम नहीं आता मेरे लिहाज से तो, क्योंकि इंसान खुद इतना बुलंद होता है, इतना शेर है वो, जो टाइम्स कंपनी में है वो हर एक शेरनी है, हर एक शेर है। और असद सर की तो मैं मिसाल नहीं दे सकती, वो अपने शिद्दत के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने हर तरीके से हर किसी के साथ सपोर्ट करते हैं। उनकी डाउनलाइन में जितनी भी लेडीज हैं, मैं मेरे, वो सबको सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। और उनके सबसे पहले हमारे सीनियरों को मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे पीछे हमेशा मुजाहिद सर थे, आगे मुजाहिद सर हैं और हमेशा मुजाहिद सर ही रहेंगे। और जो हमारा इस्तकबाल इस बैनर पे सभी करते हैं, मैं उन सबका शुक्र गुजार हूँ। और सभी बहुत अच्छे अल्फाजों में कहते हैं और सभी एक से एक स्टार हैं। और शायद कल मुझे मौका मिलता तो मैं पांडे सर के लिए भी एक शेर पढ़ती, और उनकी बदौलत है ये सब कुछ। और मैं वो शेर आज जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि उसमें शफीक सर हैं और वो शेर को मुझे पढ़ना ही है, क्योंकि कल मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि सर ने पहले ही बोल दिया था। और मैं ये शेर आज जरूर पढ़ूंगी। ए आसमां कल तेरे बीच कौन था, ए आसमां कल तेरे बीच कौन था, नाम उनका मैं बताती हूँ, कोई और नहीं वो पांडे सर थे। उनकी रोशनी कौन थी जो चांद बन के बैठे रहते हैं आसमां के ऊपर, वो कोई और नहीं वो शफीक सर थे। आसमां को हमेशा चांद की जरूरत रहती है और आसमां हमेशा चांद के बिना सूना रहता है। देखो मेरा चांद तो हमेशा चमकता रहता है और उसकी रोशनी हम सब हैं। सितारों को हम बुलंद कैसे कह दें, क्योंकि चांद उन सितारों को चमक पहुंचाता है और वो सारे सितारे हम सब हैं। सर की क्या मैं तारीफ करूं, क्योंकि हमेशा एक बुलंद शख्सियत हैं वो और हमेशा रहेंगे। कहती हूँ मैं ए बादलों, तुम कहीं भी से भी आ जाओ घिर के, मेरा चांद हमेशा रोशनी देता रहता है, क्योंकि उनका नाम मोहम्मद शफी है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके शेयरिंग की, बहुत बहुत